नमस्कार, मैं हूं शुभम दुबे और टैलेंटेड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने खबर सुनी थी, दरअसल सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ की अचानक मौत होने की खबर सामने आई थी। सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ सीसीडी के घाटे में चलने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उसका एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द कोको कोला कंपनी सीसीडी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देश और विदेश में अब कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड खत्म होते जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा अब सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कॉफी में लोग ज्यादा दिलचस्पी लाने लगे हैं। अब दिलचस्पी के चलते ये कहा जा रहा है कि कोको कोला कंपनी पूरी तरीके से सीसीडी को टेक ओवर करेगी। अब देखना यह है कि सीसीडी के मालिक कोको कोला के साथ हुए इस सौदे में किस तरह से हिस्सेदारी निभाते हैं। अब आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है और किस तरह से कोको कोला सीसीडी को टेक ओवर करेगा। कोका कोला देश में तेजी से बढ़ रहे कैफे बिजनेस में उतरने की कोशिश कर रही है। पहले यह डील इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कोका कोला 1750 सीसीडी आउटलेट को चलाने वाली कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी करना चाहती थी, जबकि सीसीडी के मालिक सिद्धार्थ इसमें छोटी हिस्सेदारी बेचकर कंट्रोलिंग स्टेक में अपने पास रखना चाहते थे। सीसीडी के मालिक कोका कोला को सीसीडी चेन में हिस्सेदारी बेचने के लिए दोबारा बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे ग्रुप पर कर्ज का बोझ और घटाने में मदद मिलेगी। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि ग्रुप की एक और कंपनी स्किल लॉजिस्टिक्स भी विनिवेश की योजना पर काम कर रही है। कैफे डे के ग्रुप के संस्थापक विजय सिद्धार्थ जून के आखिरी हफ्ते तक अमेरिकी बिजनेस कंपनी से सौदे के लिए बातचीत कर रहे थे। सिद्धार्थ का पिछले दिनों निधन हो गया था। सिद्धार्थ इसमें छोटी हिस्सेदारी बेचकर कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास रखना चाहते थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि वह सौदे के लिए कॉफी चेन की कीमत 8000 से 10000 करोड़ रुपए तक की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीडीईएल के मालिक कॉफी बिजनेस के लिए बिक्री की 5 गुना कीमत मांग रहे हैं। मार्च 2020 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में ग्रुप के कॉफी बिजनेस से 2250 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। यह जानकारी कंपनी के एक आलाक अधिकारी ने दी है। इस बिजनेस में कॉफी बीन के निर्यात का कामकाज भी शामिल है, जिससे वित्त वर्ष 2018 में 1770 करोड़ और 2019 में 1814 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। देश भर में 1750 कैफे डे के आउटलेट स्टोर के अलावा कंपनी ने 60,000 वेंडिंग मशीन भी लगाई हुई है। अब जानते हैं सीसीडी के बारे में कुछ खास जानकारियां। 1 जून को कोका कोला डील से सीसीडी को 8 से 10 हजार करोड़ मिलने की उम्मीद थी। इस वक्त सीसीडी पर 4,970 करोड़ का कर्ज था। सीसीडी का पहला कैफे जुलाई 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर खोला गया था। सीसीडी की पहली कॉफी शॉप इंटरनेट कैफे के साथ खोली गई थी। 247 शहरों में सीसीडी के 1,758 आउटलेट्स हैं। सीसीडी फ्रेंचाइज मॉडल पर काम नहीं करती। कारोबारी साल 2018 में सीसीडी ने 1,777 करोड़ की कॉफी बेची थी। 2017 में सीसीडी ने 1,814 करोड़ की कॉफी बेची थी। अब सीसीडी में करीब 50,000 लोग काम कर रहे हैं। सीसीडी के मालिक विजय सिद्धार्थ के परिवार के पास 12,000 एकड़ में कॉफी प्लांटेशंस भी हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में कॉफी का बाजार अगले 10 साल में 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां घर से बाहर कॉफी पीने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।